तो गाइस यार आज की इस वीडियो में हम आपको एक 12 वोल्ट की बैटरी बनाकर दिखाने वाले हैं और इस बैटरी का यूज आप अपनी मोटरसाइकिल या फिर इन्वर्टर में कर सकते हो या किसी भी 12 वोल्ट की चीज़ को आप इससे अच्छे तरीके से चला सकते हो। और जो हमारी बैटरी है ये 16 एम्पीयर के होने वाली है और इसे हम काफ़ी ज़्यादा सस्ते में बनाकर दिखाने वाले हैं। लेकिन अगर आप ऐसी ही बैटरी को मार्केट से खरीदने जाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ेगी और उसकी जो लाइफ है काफ़ी कम होती है। लेकिन हम जो आपको बैटरी बनाकर दिखाने वाले हैं उसकी लाइफ मार्केट वाली बैटरी से ज़्यादा होगी। तो इसे हम किस तरीके से बनाने वाले हैं तो चलिए फिर अपनी वीडियो में देख लेते हैं। तो बैटरी बनाने के लिए सबसे पहले हमने पीवीसी शीट के कुछ पीसेस कट कर लिए हैं जिसकी साइज़ 13x9 सेंटीमीटर और ये हमने 4 पीस कट किए हैं और इसी टाइप से हमने 2 पीस और कट किए हैं जिसकी साइज़ 9x8.5 सेंटीमीटर यानी कि हमने टोटल 6 पीस कट किए हैं। और जो हमने 4 पीस कट किए थे उनमें से 2 पीस पर हमने कुछ इस टाइप से मार्किंग लगा ली है जो कि 4x2 सेंटीमीटर की हमने ये मार्किंग लगाई है और इस मार्किंग के निशान से इसे क्या करना है कि हेक्सा ब्लेड की मदद से कट कर लेना है। तो इसे हम फटाफट से कट कर लेते हैं। कि 6 बैटरियों को निकाल लिया है। अब बारी है इन्हें चेक करने की कि इनमें से कौन कौन बैटरी ख़राब है। तो हमने मल्टीमीटर को डीसी पर सेट कर दिया है और इसकी दोनों पिनों को हम जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हो 3.6 वोल्टेज आ रहा है यानी कि हमारी ये वाली बैटरी सही है। अब हम दूसरी वाली बैटरी को चेक करते हैं तो आप देख सकते हो 0.05 आ रहा है यानी कि ये वाली बैटरी हमारी ख़राब है। अब हम इसी टाइप से एक और बैटरी को चेक करते हैं तो इसका भी वोल्टेज आप देख सकते हो 0.6 आ रहा है यानी कि ये वाली बैटरी भी ख़राब है। अब हम चौथी बैटरी को चेक करते हैं तो आप देख सकते हो 3.6 आ रहा है यानी कि ये वाली बैटरी सही है। और इसी टाइप से हम सभी बैटरियों को चेक कर लेते हैं तो आप देख सकते हो कि हमारी 4 बैटरियां इनमें से सही निकली हैं और 2 बैटरियां ख़राब निकली हैं। लेकिन सिर्फ इन 4 बैटरियों से हमारा कुछ भी नहीं होने वाला है, ऐसी और भी काफ़ी सारी बैटरियां हमें चाहिए होंगी। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास हैं ये काफ़ी सारी बैटरियां और इन सभी बैटरियों को हमने लैपटॉप की बैटरी से ही निकाला है और इन सभी को हमने पहले ही चेक कर लिया जो कि सभी बैटरियाँ एकदम सही है। अब बारी है इनकी एम्पियर को चेक करने का। तो हमने मल्टीमीटर को एम्पियर पर सेट कर दिया है। अब हम इन बैटरियों को चेक कर लेते हैं जो कि आप देख सकते हो कि 2.08 आ रहा है यानी कि जो हमारी बैटरी है ये 2 एम्पियर की है। और इसी टाइप से दूसरी वाली बैटरी को भी देख सकते हो, ये भी 2 एम्पीयर की है। अब हम एक बैटरी को और चेक करके दिखा दें। आप इस वाली बैटरी को देख सकते हो 1.98 आ रहा है यानी लगभग 2 एम्पीयर की ये वाली बैटरी भी है। और इसी टाइप से ये सभी बैटरियां 2 एम्पीयर की ही हैं और ये हमने टोटल 24 बैटरियों को लिया है। और इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें 4 बैटरियों को लेना है और 4 बैटरियों को एक साइड पॉजिटिव कर लेना है और दूसरी साइड नेगेटिव और फिर इन्हें टेप की मदद से चिपका लेना है। तो आप देख सकते हो कि इन्हें हमने कुछ इस टाइप से टेप की मदद से चिपका लिया है। अब हमें क्या करना कि इन 4 बैटरियों को पैरेलल में कनेक्ट कर लेना है यानी कि पॉजिटिव से पॉजिटिव को और नेगेटिव से नेगेटिव को। तो हम इस तार की मदद से इन 4 बैटरियों को पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं।
तो आप देख सकते हो कि हमने इन चारों बैटरियों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है और इसी टाइप से हमने सभी बैटरियों को चार चार के जोड़े में बना करके और इन्हें भी हमने पैरेलल में कनेक्ट कर लिया है। पैरेलल में क्या होता है कि इनका जो वोल्टेज है वो सेम ही रहता है, लेकिन जो हम इसका एम्पियर है वो बढ़ जाता है। हमारी जो बैटरी है एक 2 एम्पियर की है। अब हमने चार बैटरियों को कनेक्ट कर दिया है तो 8 एम्पियर की बन चुकी है, लेकिन इसका जो वोल्टेज है वो 3.7 ही रहेगा। तो इसे 12 वोल्ट बनाना होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि इन तीन बैटरियों को सीरीज में कनेक्ट करना होगा। सीरीज में क्या होता है कि इसका जो वोल्टेज है वो बढ़ जाता है, लेकिन इसका जो एम्पियर है वो उतना ही रहता है। तो इसे सीरीज में कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है कि पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव को कनेक्ट कर लेना है। तो इसे हमने सीरीज में कनेक्ट कर लिया है। आप देख सकते हो कि हमने पॉजिटिव से नेगेटिव को और इस बैटरी के पॉजिटिव को दूसरी वाली बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है। अब जो हमारी बैटरी है लगभग 11 वोल्ट निकालेगी। तो चलिए फिर हम इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं। तो हमने मल्टीमीटर को डीसी पर सेट कर दिया है। अब हम इसके दोनों पिनों को बैटरी के दोनों टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो 10.8 वोल्टेज निकाल रहा है, यानी कि लगभग 11 वोल्ट हमारी बैटरी निकाल रही है। और इसी टाइप से हमने दूसरी वाली बैटरी को भी सीरीज में कनेक्ट कर लिया है। अब हम इसकी भी टेस्टिंग देख लेते हैं। तो इसके भी हम दोनों टर्मिनल से जैसे ही कनेक्ट करते हैं, आप देख सकते हो 11 वोल्ट निकाल रही है। अभी हमारी जो बैटरी है थोड़ी थोड़ी डिस्चार्ज है, अगर हम इसे फुल चार्ज करेंगे तो ये लगभग 12 वोल्ट के लगभग निकाल लेगी। अब हमारी जो दोनों बैटरियां हैं इन्हें क्या करना है कि पैरेलल में कनेक्ट कर लेना है, यानी कि पॉजिटिव से पॉजिटिव को और नेगेटिव से नेगेटिव को। इससे क्या होगा कि हमारी जो दोनों बैटरियां हैं अभी 8 एम्पियर की हैं, अगर हम दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो ये 16 एम्पियर की बनकर तैयार हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि हमने दोनों बैटरियों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है और जो हमारी बैटरी है ये 16 एम्पियर की बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसके बाद हमें लेना है एक BMS, जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर 200 या 250 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। और जो हमारा BMS है ये 40 एम्पियर का है और आप इससे 40 एम्पियर तक की बैटरी को अच्छे तरीके से बना सकते हो। तो चलिए अब हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो गाइस यार आप देख सकते हो कि हमने BMS को बैटरी से अच्छी तरीके से कनेक्ट कर दिया है। अब हम इसके कनेक्शन को समझ लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इसका जो सबसे पहला पॉइंट है उस पर लिखा हुआ 0 वोल्ट, इसे हमने बैटरी के नेगेटिव पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया है यहाँ पर। और इसके बाद इसकी दूसरी साइड पर लिखा हुआ 4.2 वोल्ट, इसे हमने बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है, आप देख सकते हो। और जो हमारी बैटरी है ये सीरीज में कनेक्ट है, तो यहाँ पर हमारी जो कनेक्ट है इसकी दूसरी साइड पर निकालेगा करीब 7 वोल्ट या 8 वोल्ट। तो आप देख सकते हो BMS में लिखा हुआ है 8.4 वोल्ट, तो इसे हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अब इसके दूसरी साइड पर लिखा हुआ है 12 वोल्ट, तो आप देख सकते हो इसे हमने कनेक्ट कर दिया है लास्ट वाली बैटरी से, यहाँ पर लगभग 12 वोल्ट निकाल लेगी। तो आप देख सकते हो इस टाइप से हमने BMS को कनेक्ट किया है, जो कि आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। और इसमें 2 पॉइंट और दिए गए हैं और इनमें हमें 2 वायर को सोल्डरिंग कर लेना है। तो पॉजिटिव पर हमें रेड वायर को सोल्डरिंग कर लेना है और नेगेटिव पर हमें ब्लैक वायर को सोल्डरिंग कर लेना है। तो हमने दोनों वायर को अच्छी तरीके से सोल्डरिंग कर दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमने PVC शीट का बॉक्स बनाया था, यानी कि बैटरी की बॉडी, उसे लेना है और उसके अंदर इस बैटरी को कुछ इस तरीके से फिक्स कर देना है। और जो गैप बचता है उसमें हमें कार्डबोर्ड को कुछ इस तरीके से फंसा देना है। इससे क्या होगा कि जो हमारी बैटरियां हैं इसमें अच्छी तरीके से टाइटली फिक्स बने रहेंगी। तो आप देख सकते हो कि जो हमारी बैटरियां हैं एकदम टाइटली फिक्स हो चुकी हैं। और इसके बाद हमने 4x2 सेंटीमीटर के ये PVC शीट के 2 पीस कट कर लिए हैं और इनके मिडल पर हमने एक एक होल कर लिया है। और इसके बाद हमें लेना है कुछ इस टाइप की ये नट बोल्ट, और इस बोल्ट को क्या करना है कि इस होल पर कुछ इस तरीके से फिक्स कर लेना है और फिर इस नट को अच्छे तरीके से कस देना है। और इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारी बैटरी का वायर है इसे छील करके इसके अंदर के तार को निकाल लेना है और इसे अपने इस बोल्ट से कनेक्ट कर देना है। और कनेक्ट करने के बाद इसके नट को अच्छे तरीके से टाइट कर देना है और फिर इसे बैटरी के यहाँ पर फिक्स करना होगा। लेकिन जो हमारा वायर है ये बैटरी के दूसरे पॉइंट से कनेक्ट हो सकता है और इसे शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या
करते हैं कि इन सभी बैटरियों पर टेप को कुछ इस तरीके से हम चिपका देंगे ताकि इससे शॉर्ट सर्किट ना हो। और जो हमारा वायर है, इस वायर पर हम क्या करते हैं कि ग्लू गन की मदद से थोड़ा ग्लू लगा देंगे, और ग्लू लगाने के बाद फिर इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पर फिक्स करके और इसे सुपर ग्लू की मदद से हम अच्छी तरीके से चिपका देंगे। और इसी टाइप से हमारी दूसरी वाली पीवीसी शीट पर हमें एक और नट बोल्ट को कस देना है और बैटरी के दूसरे वाले वायर को इस बोल्ट से कनेक्ट करके और इसे भी बैटरी पर फिक्स करके अच्छी तरीके से चिपका लेना है। तो गाइस यार, आप देख सकते हो कि इन सभी को हमने कुछ इस टाइप से फिक्स करके अच्छी तरीके से चिपका लिया है। अब इसकी जो ऊपर वाली पीवी सीट बची हुई है उसे क्या करना कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिक्स कर लेना है और फिर इसके चारों तरफ सुपर ग्लू यानी कि फेविक्विक लगा करके इसे भी अच्छी तरीके से चिपका लेना है। तो आप देख सकते हो कि जो हमारी बैटरी है वो बनकर तैयार हो चुकी है और इसके जो दो पॉइंट हैं उनमें से एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो इसकी पहचान के लिए हमें क्या करना है कि नेगेटिव वाले पर हमें ब्लैक कलर को कर देना है और इसके जो पॉजिटिव वाला है उस पर हमें रेड कलर को कर देना है। तो गाइस, हमने पॉजिटिव पर रेड कलर और नेगेटिव पर ब्लैक कलर को कर दिया है। और इसके बाद हम आपको इसकी टेस्टिंग भी दिखा दें कि जो हमारी बैटरी है ये कितने वोल्टेज निकाल रही है। तो आप देख सकते हो कि जो हमारी बैटरी है ये 11 वोल्ट निकाल रही है। अब इसके बाद हम आपको इसे चार्ज करके भी दिखा दें। तो इसे चार्ज करने के लिए हमने ये 12 वोल्ट का कन्वर्टर लिया है और इसका जो नेगेटिव वाला वायर है इसे बैटरी के नेगेटिव पॉइंट से कनेक्ट कर देना है और इसका जो पॉजिटिव वाला वायर है इसे बैटरी के पॉजिटिव वाले पॉइंट से कनेक्ट कर देना है। अब जो हमारे कन्वर्टर के एसी वाले वायर हैं जिसे क्या करना है कि अपने लाइट वाले बोर्ड से कनेक्ट कर देना है और कनेक्ट करने के बाद इसके स्विच को ऑन कर देना है। और जो हमारी बैटरी है ये चार्ज होना स्टार्ट हो चुकी है तो अब इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो हमें करीब 5 मिनट हो चुके हैं और अब हमें अपने कन्वर्टर के दोनों वायर को बैटरी के दोनों पॉइंट से निकाल देना है। और अब हम इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं कि जो हमारी बैटरी है ये कितने वोल्टेज तक चार्ज हो पाई है। तो आप देख सकते हो कि जो हमारी बैटरी है ये 11.3 वोल्टेज तक चार्ज हो गई है, जो कि पहले सिर्फ 11 वोल्ट ही चार्ज थी, यानी कि जो हमारी बैटरी है वो चार्ज हुई है। अब इसके बाद हम आपको इसकी टेस्टिंग दिखा दें कि जो हमारी बैटरी है इससे हम क्या क्या चला सकते हैं। तो इसकी टेस्टिंग के लिए हम अपनी मोटरसाइकिल की बैटरी को निकाल ले रहे हैं और इसकी जगह पर हमने जो बैटरी बनाई है उसे फिट करके देखेंगे कि इससे हमारी जो मोटरसाइकिल है वो चलती है या फिर नहीं। तो आप देख सकते हो कि हमने मोटरसाइकिल की बैटरी को निकाल लिया है और इसकी जगह पर हम अपनी इस होममेड बैटरी को फिट कर देते हैं। तो हमने अपनी बैटरी को अच्छी तरीके से फिट कर लिया है और आप देख सकते हो कि मोटरसाइकिल के अंदर करंट भी आ चुका है, लेकिन जो हमारी मोटरसाइकिल है इसमें सेल्फ नहीं दिया गया है, इस वजह से हम इसे स्टार्ट करके तो नहीं दिखा सकते, लेकिन आपको हॉर्न बजा करके दिखा सकते हैं, जो कि आप देख सकते हो कि इससे कितने अच्छे तरीके से हॉर्न बज पा रहा है। और अब हम आपको इसका इंडिकेटर भी जला करके दिखा दें और इसी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि जो हमारी बैटरी है वो अच्छे तरीके से काम कर रही है या फिर नहीं। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा इंडिकेटर है कितने अच्छे तरीके से जल रहा है और इसी से आपको अंदाजा लग गया होगा कि जो हमारी बैटरी है वो कितने अच्छे तरीके से काम कर रही है, लेकिन हमारी मोटरसाइकिल में सेल्फ नहीं है, नहीं तो आपको सेल्फ से भी स्टार्ट करके दिखा देते। और आप देख सकते हो कि हमने जिस बैटरी को बनाया है उसी बैटरी को यहाँ पर फिट किया है और जो हमने बैटरी मोटरसाइकिल से निकाली थी आप देख सकते हो ये रही वो बैटरी और हमने जिस बैटरी को बनाया था वो इसी बैटरी को हमने यहाँ पर फिट किया है। और आप देख ही सकते हो कि जो हमारी बैटरी है कितने अच्छे तरीके से वर्क कर रही है, इससे हॉर्न बज रहा है फ्रेंड्स और इससे इंडिकेटर भी जल रहा है। अगर इसमें सेल्फ होता तो हम आपको सेल्फ से भी स्टार्ट करके दिखा देते। और गाइस, आप इससे इन्वर्टर भी चला सकते हो, लेकिन हमारे पास इन्वर्टर भी नहीं है, जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हमारे पास ये 12 वोल्ट की मोटर है, हम आपको इसे चला करके दिखा दें और इसी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि जो हमारी बैटरी है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है। तो आप देख ही सकते हो कि हमारी जो 12 वोल्ट की मोटर है इससे कितने अच्छे तरीके से चल रही है और कितनी तेज़ी से चल रही है, और इसी से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि जो हमारी बैटरी है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है और ये कितने अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। तो आपको हमारी ये बैटरी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।